जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, खूबसूरत व्लॉग और बेहतरीन देखें चीज़ें हैं। चीज़ों पे मेहनत हो तो वो खुद बोलती है। दिन ब दिन, एक एक दिन, एक एक लम्हा इस क्रॉप पे हमने मेहनत की है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, भाई देख रहे सुफल माटी है, इसका रिजल्ट देखें कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। मज़ा आ रहा है देखने का, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, मुझे पूरी गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को ये वीडियो देखने का। देखें आप खुद बोल रही हो। अच्छा आज डेट है 31/31/3/2024, ठीक है जी। अब इसका वो कंपल से जिनसे मैं बता रहा था वो निकलना शुरू हो गई है, वाजह तौर पर दिखाता हूँ आपको, ये रही, ये निकल रही है। अच्छा अब पौधे की हेल्थ इस इन दिनों में, अब ये अप्रैल, कल से अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा, तो अप्रैल में कौन सा है, हमने क्या खुराक डाली ना, मार्च में हमने क्या खुराक डाली, मार्च में हमने इसको नेट्रोफास दी थी, मिड तक, मिड के बाद हमने नेट्रोटाश दी है, तो पोटाश देने के बाद हमने जनाबे वाली इसको एंटी फंगल स्प्रे की थी बस, और पानी लगाया, ठीक है जी। अब आपको पौधा दिखाता हूँ, अब ये पौधा ऑन एवरेज पौधा है मेरा, यानी कि पूरी फील्ड को कह लें कि हमारे ऐसे पौधे हैं पूरी फील्ड के अंदर, ठीक है जी। अब इसको मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ, अभी ये बच्चा है इसने, ठीक है, मतलब बच्चे से मुराद ये है कि अभी इसने अपना वो बनाना शुरू करना है, नीचे डंठल कह लें, गांठ कह लें, बनाएगा, अभी ये इतना हो गया, अभी ये बच्चा है मतलब, ठीक है ना, अभी इतना हो गया, अभी इतना साइज़ करेगा, बेहतरीन साइज़ करेगा, साइज़ के बाद जब साइज़ होगा वजन बनेगा, वजन बनेगा तो ऑब्वियसली हमें अच्छी पैदावार हासिल होगी। अच्छा जी अब ये आ गया, एक और पौधा दिखाता हूँ आपको, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने कौन सा किसी की फील्ड में जाना, हमारी जाती फील्ड है, इसका देखिए निकल रहा है अभी, ये देखो जमीन देखे कितनी नरम है, समझ आई बात, ऐसी ज़मीन के अंदर लगाना ये आपने, अगर ऐसी ज़मीन ना हो तो हमसे करें रब्ता, हम आपको बताएँगे ऐसी ज़मीन कैसे बनेगी, चेक करें। कैसा आई कि नहीं आई देखने की, ये होता है गार्लिक। अब ये नई प्रोडक्ट आई है पाकिस्तान में, ठीक है जी, यानी कि नया बीज आया, तो और बीज भी आप हमसे ले सकते हैं, रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला माइलस्टोन इसका इसकी प्रोडक्शन है, लगाना कैसा है, पूरी कंसल्टेंसी देंगे, बल्कि वो कंसल्टेंसी पीरियड होगी, ठीक है, क्योंकि हम अपना सारे एजेंसी हैं बिजनेस के मामला छोड़ के आपके पास आएंगे, अगर नेक्स्ट ईयर आपने लगाना है तो काश्तकार भाई जो उनसे बड़े रकमों पे काश्तकारी करते हैं वो लाजमी तौर पे इसके दो दो तीन तीन चार चार एकड़ लगाएं, फिर कह रहा हूँ ये लाजमी तौर पे लगाएं, क्योंकि इससे उनको अच्छा ज़र मामला वो कमा सकेंगे। अभी तो ये मतलब कि बिल्कुल स्टार्ट सीज़न है अभी, देखें यार सुभान अल्लाह कहने का दिल करता कि नहीं, क्या बात है पौधे से। अच्छा मोर्टैलिटी देख लें पौधे से पौधा। अच्छा अब हम जो सा है ना इसकी मोर्टैलिटी काउंट करते हैं ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से मुराद ये है कि अगर हमने 100 पौधा लगाया ना, बीच में 100 में से कोई 2 या 4 नहीं चले होंगे, बाकी सारे चले हैं, ठीक है जी। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है और ये क्रॉप लगानी भी चाहिए, लगाने वाली है माशाल्लाह, खूबसूरत अंदाज चल रहा है। और अभी आप थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो आपकी नीचे वाली दुनिया थोड़ा सा ऊपर आ जाए, इसका कद देखें, इस वक्त इसका कद अप्रॉक्सीमेटली 3.75 फुट, 3.75 फुट, यानी कि 2 फुट और 75
2 फुट, एक फुट में 12 इंच होते हैं ना, 2 फुट और 8-9 इंच से कद बन चुका है इस वक्त। ठीक है जी, ये देखें, ये है छोटे सीड, यहाँ पे बेबी सीड आ गया था, पेपर में बेबी सीड लगाया, उस बेबी सीड की देख ली, बेबी सीड चने के बराबर होता है सिर्फ और सिर्फ। ये देखें, ये मैं रैंडमली चाह रहा हूँ, आप ऊपर आप चाहता हूँ, ये देखें माशाल्लाह। सेंटर वाला भी देखें हमारा कितना ज़बरदस्त हुआ हुआ, तो ये ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हमने ये लगा रखा खेलों पे, ड्रिप इरीगेशन पे नहीं लगा रखा, ये देखें। ठीक है जी, अब ये, और ये कम्पीट कर रहा है ड्रिप इरीगेशन वालों को, चेक करें है कि नहीं, मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा, फिर देख रहे हैं पूरा। ये देखो किंग साइज बना हुआ, अच्छा ये सिर्फ यही खेलनी है, अभी हम मेरे साथ चलते जाएं और मैं आपको खेलने दिखाता हूँ, चेक करें। ठीक है जी, चेक करें, चेक करें, चेक दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, आप चेक कर लीजिए नाम यहाँ से, जैसा है ये आपको जनाब फसल देख के। और ये सीड परचेज करने वाला सीड है, ये ना समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे वीडियो दिखाए जा रहा हूँ, तो किसी भी भाई को पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में से सीड चाहिए हो हमसे रब्ता करें, बहुत अच्छा सीड है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से। अब ये यहाँ पे गंद आना शुरू हो गया, बट ये गंद भी बड़ा ज़रूरी है, गंद चूँकि ज़्यादा हो गया था इसलिए करवा रहे हैं, लेकिन हम ना भी करवा रहे साइज हमारा मेनटेन है, ज़रूरत नहीं है गंद करवाने का। चेक करें फसल गंद, ये गंद है लेकिन फसल पता ना पता, चेक कर लें बेहतरीन है। ये टीनी साइज का बच्चा लगा हुआ, छोटा बच्चा, और ये लेट निकला, ये भी मैं बताता हूँ, चलो ये देखो पौधा चेक करेंगे ना, पौधे के साथ पौधा, ये देखें ये वाला, ये जब ये आए तक आ जाएगा, इसको हम लेबर लगा के ऐसे तोड़ देंगे, तोड़ तो भी सकते हैं लेकिन अभी छोटा है तो फ़ायदा नहीं है तोड़ने का, लेबर लगेगी एक ही दफ़ा जो है ना, फिर काम चालू कर देंगे। अच्छा जी, ये है बड़ा बेड, 3 सीड लगे होंगे, फिर आगे आके आ जाएगा, 2 सीड लगे होंगे। ठीक है, अच्छा देखा जी, अब रैंडम चल रहा हूँ, ईमानदारी से ये बताइएगा। ठीक है जी, अब आपको रैंडमली पौधे दिखा देते हैं, ये चेक करें। ठीक है जी, ये चेक करें, है कि नहीं किंग साइज माशाल्लाह जी, है साथी जैसे पत्ते हो रहे हैं, ये चेक करें जनाब, आप देखें खूबसूरती है कि नहीं, ये मेहनत की हुई है, खुराक डाली हुई है, खर्चा किया हुआ है, बेहतरीन टॉप क्लास का जो सा है ना वो सीड बनेगा, तो हमसे रब्ता करें इंशाल्लाह ताला, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आपको अच्छा सीड हम प्रोवाइड करेंगे। और अच्छा जी, अब मैं फिरा था साइडों पे, अब हम चलते हैं फील्ड के अंदर, रैंडमली आया हूँ मैं और रैंडमली आपको फील्ड के अंदर की जो सी है वो दिखाऊंगा मैं पौधे। ले जी चेक कर लें, है कि नहीं मज़ा, यहाँ पे आता हूँ आपको दिखाता हूँ ऐसे नज़र आए, यहाँ पे देखें सीड जो सा है नहीं होगा, यह लगा नहीं है या होगा नहीं है, मेरा ख्याल है यहाँ पे लगा नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा हमने एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर हमने कंपैरिजन किया, हमारी मोर्टैलिटी इस दफ़ा बहुत कम हुई है, पिछली दफ़ा मोर्टैलिटी थी लेकिन इस दफ़ा मोर्टैलिटी नहीं है। ठीक है जी, चेक कर, नज़र आ रहा है पौधा, ये एक नहीं है, अच्छा आप देख लें वीडियो में अगले पौधे, इस पौधे को छोड़ो जो मैं दिखा रहा हूँ, इससे अगले पौधे देखना शुरू कर दें, एक साइज नज़र आ रहा है, और ये सीड लेने वाला है और लगाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह प्री बुकिंग हमारी स्टार्ट है, और आप प्री बुकिंग करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान किसी भी प्रोविंस से हैं किसी भी सूबे से हैं, आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह बेहतरीन सीड आपको दिखाएंगे देंगे। अच्छा जी, ये घास देखे पड़ा हुआ है, अभी करवाया आज, तो ये इसलिए करवाया कि ना जब हम इसकी वो करेंगे क्या कहते हैं
अल्लाह आपका भला करे। जेल से निकल गया, हार्वेस्टिंग करेंगे तब जो उनसे है ना इसका, हमारे हार्वेस्टिंग में आसानी होगी। हमारी हमारे पास इसकी अपनी ज़ाती मशीन भी है जिससे हम हार्वेस्ट करते हैं, वो हमने मंगवाई हुई है। तो वो तो देखा ना यार, आपको नज़र आना चाहिए। अच्छा ये सीड, अब जो किसान किसान है वेल एजुकेटेड है ज़रात के लिहाज से, मतलब पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, फसल को अच्छी खाद अच्छी स्प्रे कर देना ये भी वेल एजुकेशन में ही आता है, ठीक है जी। तो वो समझ सकता है कि अच्छा सीड ही अच्छी फसल की पैदावार की जमानत और जमानत होता है, ठीक है जी। तो लिहाजा रब्ता करें, आपको बेहतरीन सीड देते हैं। ये प्याज का जनाब है, देखिए बेबी सीड कितना हेल्थी हमारा वो है, कहीं पर बेबी सीड बीच में लगा हुआ है लेकिन वो भी बड़ा जॉइंट बन चुका है इस वक्त। ये हमने घर के लिए लगाई है पालक वगैरह सागों को, देखेंगे चेक करें। आप कहेंगे कि फील्ड में जहाँ जाए ऐसे फील्ड जा रहा हो दिखाई जा रहा है जी। मैं अब अपने वो जिस फील्ड में पहले मैं वीडियो बना रहा था वो थी 3 एकड़ की ज़मीन का फसल थी, अब ये है 4 एकड़, ये है ये भी 1 एकड़ है, टोटल हमारे पास 4 एकड़ है। अब इसमें फ़र्क मैं क्या दिखाने आया हूँ, वो खेल थी चौड़ी यहाँ से, ये है गेट की समझ लो ठीक है, मक्की वाली सादा, इसके ऊपर से बैठ में और इसके ऊपर से मैंने इसको वो कर दिया था क्या कहते हैं मक्की वाली खेल के ऊपर मैंने लगा दी थी एक पट्टी सी, ऊपर से वो बेडशीट बनाती गई है उसके ऊपर मैंने 2 लगाए, ठीक है। तो अब देखें जी जहाँ शायद यहाँ पे सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पे इस किले की प्रोडक्शन होप सो आई थिंक सो नॉट श्योर दूसरे से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, इसकी वजह जरा बस एक ही वजह, खेल छोटी है पौधे ज़्यादा होंगे शायद, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस भी का भी जो सा है इशू हो सकता है, डिस्टेंस ज़्यादा ना हो एनी हाउ, लेकिन वजन हमारा सेम ही है। आपको दिखा रहा हूँ मैं फसल, देखें पौधे चलो चेंज होगी ना, अभी बीच में से वो निकाल रहे हैं अपने फूल, दिखाता हूँ मैं किसी पौधे का, ये निकाल रहा है छोटा सा, ये उसका नहीं निकला अभी, ये मैंने किला भी देख लिया माशाल्लाह। इसमें मज़ा वजह आने की वजह भी और भी है, ये जो सा है ना बारिश के बाद पौधे धुल गए हैं, और ऐसे जो ये फूल से नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे हमने हमारा एक काम प्रोजेक्ट था जो कि कामयाब करेंगे उसको भी, ये सारे के सारे नसर पूरी प्याज हमने लगा दी उसके सारे का सारा फूल है, फूल हम होल्ड कर लेंगे बीज निकालेंगे इसकी प्लेरी बना के नेक्स्ट ईयर फिर कुछ ना कुछ इसका करेंगे। चलो जी साथ बने रहें, वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको खूबसूरत हेल्दी ग्रीन विलेज ब्लॉग दिखाते रहेंगे और बिजनेस पर्सपेक्टिव के साथ, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।